अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव रिवाइज द प्रीवियस लेसन। टुडे आवर टॉपिक इज रिवीजन ऑफ टेंसेस। नाउ ओपन द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 6 एंड गो टू द पेज नंबर 39। लैंग्वेज प्रैक्टिस। Revise the simple present, simple past, simple future, past continuous, past perfect continuous and the future continuous tense. स्टूडेंट, ये सारे टेंसेज आप पहले पढ़ चुके हैं, इसी की रिवीजन इसमें आएगी। अगर आपने प्रीवियस टेंसेज को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये पार्ट करने में आपको आसानी होगी। द फर्स्ट पार्ट इज पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट, प्रेजेंट की बात की जा रही है, जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस अप्लाई हो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस अप्लाई कर दिया जाएगा, और जहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट की बात होगी वहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट अप्लाई कर दिया जाएगा। आई यूजली गो टू स्कूल बाई बस। ब्रैकेट में हमें मेन वर्ब गो दिया गया है। यूजली वर्ड यूजली जो होता है आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनेट को रेफर करता है, और आई के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या एस कंडीशन नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई यूजली गो का गो ही आ जाएगा। इस पर मैंने टिक इसलिए लगाया है क्योंकि यही फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे अप्लाई होनी है। आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस पर टूडे। स्टूडेंट, टूडे वर्ड आपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, टूडे वर्ड आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रेफर करता है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, बट टू डे आई गो बाय टैक्सी, तो क्या हो जाएगा, बट टू डे आई एम गोइंग बाय टैक्सी। यानी कि गो को मीट करके हमने आई एम गोइंग बाय टैक्सी, इट टेक्स, क्या हो जाएगा, इट टेक्स, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट की बात की जा रही है, इट टेक्स लेस टाइम बट इट कॉस्ट much more. The next one is in Singapore a child start. Routine की बात की जा रही है कि हर वक्त जब भी सिंगापुर में कोई बच्चा होता है तो वो 7 ईयर की उम्र से ही स्टार्ट करता है स्कूल, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, starts at 7 and stays for about 6 years in a primary school. Then he moves. सारी प्रेजेंट की बात की जा रही है और हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए मैं एस ए एस का एडिशन कर रही हूँ। देन ही मूव्स टू अ सेकेंडरी स्कूल वेयर ही स्टेज फॉर 4 ईयर एंड टेक्स हिज GCE ओ लेवल एग्जामिनेशन। इफ ही पासिस this examination, he can go up to pre-university classes which takes him another 2 years. If he हमारा singular subject है तो उसके साथ हम क्या apply कर देंगे, does. If he does well in his GCE A level examination, he can join a university if he wishes. स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ पे प्रेजेंट टेंस अप्लाई हो रहा है वहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट अप्लाई कर दिया गया, और जहाँ पे कंटिन्यूस की बात है वहाँ पे कंटिन्यूस अप्लाई कर दिया। बाकी पार्ट में बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी एग्जाम्पल भी बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत सॉल्व की गई हैं। अगर एक ही पर्सन की बात की जा रही थी तो प्रेजेंट डेफिनेट में ऐसे ही इसका एडिशन कर दिया गया। और स्टूडेंट, एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे डैश लगा के टिक किया गया है वहाँ पे वही फॉर्म ऑफ वर्ब आनी थी, वहाँ पे ऐसे ही इसका एडिशन नहीं होना था। द नेक्स्ट पार्ट इज पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इन द करेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था इसमें हैज और हैव अप्लाई किया जाता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें टाइम की बात की जाती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन, और इसके साथ जो वर्ब लगाया जाता है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किया जाता है, यानी जहाँ पे जॉनसन टेंस अप्लाई होता होगा हम वहाँ पे जॉनसन टेंस अप्लाई कर देंगे। जॉन
डू हिज होमवर्क ऑल मॉर्निंग. स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल मॉर्निंग हमारे टाइम को रेफर कर रहा है, और जब भी टाइम की बात की जाए तो हम कौन सा टेंस अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं. तो हम डू को कट करके क्या लगा देंगे, जॉन हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क ऑल मॉर्निंग एंड ही नॉट फिनिश येट. जो वर्ड येट है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर रिमेंबर हो तो मैंने कहा था येट का वर्ड हम तो अपने प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर करता है, तो हम क्या करेंगे, ही इसको कट करके ही हैज नॉट फिनिश्ड येट. द नेक्स्ट वन इज एंग्स एंड एन आर्टिस्ट. इसमें भी जस्ट का वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सेल को काट के एन आर्टिस्ट हैज जस्ट सोल्ड 3 ऑफ हिज ऑन पेंटिंग बट माई ब्रदर हु इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट. एंड यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है 4 years से, तो हम क्या लगा देंगे, एंड हैज बीन पेंटिंग. पेंटिंग 4 over 4 years नॉट सेल अ सिंगल पिक्चर. तो हम नॉट सेल की जगह कौन सा टेंस अप्लाई हो जाएगा, अभी तक उसने कोई नहीं बेची यानी एक्शन कंप्लीट है, हैज नॉट सोल्ड. फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसी पैटर्न के तहत बाकी एग्जाम्पल भी सोल्व की जाएंगी. स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत, यानी जोन सा टेंस अगर कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई होता था तो वो कर दिया गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जहाँ पे अप्लाई होता था वो कर दिया गया है. उसी पैटर्न को मद्देनजर, उसी टेंस को मद्देनजर रख के ये पार्ट सोल्व किया गया है. इस काम को ध्यान से टैली करें और अपनी बुक के ऊपर ध्यान से नोट डाउन करें, क्योंकि ये सब कुछ आपकी असेसमेंट में इंक्लूड है. स्टूडेंट नाउ मूव टू द सी पार्ट. पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इन द करेक्ट टेंस. यानी अब हमने कौन सा टेंस अप्लाई करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट यानी जहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई हो रही है वहाँ पे वो कर देंगे. अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो डिड अप्लाई कर देंगे. माई फादर बाय लिखा हुआ है, हमारे पास मेन वर्ब बाय है. बाय अ न्यू कार. लास्ट वीक जो वर्ड है वो हमें रेफर कर रहा है कि यहाँ पे जो टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट. और सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड. तो हम बाय को क्या कर देंगे, बाउट अ न्यू कार लास्ट वीक बट ही नॉट सेल हिज ओल्ड कार येट. येट वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर कर रहा था, हम क्या कर देंगे, ही हैज नॉट सोल्ड हिज ओल्ड कार येट. सो एट द मोमेंट ही हैज टू कार. पीटर आई नॉट सी जॉन फॉर सम टाइम. फॉर सम टाइम हमें क्या रेफर कर रहा है कि टाइम बता रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, आई हैव नॉट सीन जॉन फॉर सम टाइम. स्टूडेंट नेक्स्ट वाली जो है पोल ही बी, यहाँ पे जो वर्ड बी दिया गया है इन हॉस्पिटल ऑल दिस वीक, ये ऑल दिस वीक टाइम को रेफर नहीं कर रहा बल्कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है. हम क्या करेंगे, ही के साथ हैज़, और यहाँ पे जो बीन आ रहा है ये हमारे मेन वर्ब को रेफर कर रहा है क्योंकि इसमें आगे हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं है. ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल ऑल दिस वीक. ही फेल यानी पास्ट, सिंपल पास्ट. फेल ऑफ हिज बाइसाइकिल अ वीक अगो के लिहाज से मैंने पास्ट अप्लाई की है. एंड स्टूडेंट जैसे कि पास्ट की बात की जाती है और हर्ट की सेकंड फॉर्म भी पास्ट ही होती है, तो इसकी जगह मैं यही अप्लाई कर दूंगी, हर्ट हिमसेल्फ ही बी टेकन. बी की जगह क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है, अगर आपको रिमेंबर हो तो मैंने कहा था बी फार्मूला है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल. स्टूडेंट बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत, इसी टेंस को जिसको हमें बताया गया उसके तहत ये बाकी एग्जाम्पल भी सॉल्व की जाएंगी. स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न, उसी टेंस को मद्देनजर रखते हुए ये बाकी एग्जाम्पल भी सॉल्व की गई हैं. ध्यान से इसको अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन करें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना रह जाए.
नाउ मूव टू द डी पार्ट, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इन द करेक्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट लगा देना है जहाँ पे पास्ट अप्लाई होगा, और नेक्स्ट वन हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगा देना है। वी वॉच टेलीविजन, यहाँ पे हम कंटिन्यूस को अप्लाई करेंगे। वी वर वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द टेलीफोन रैंग, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस पे हमने कहा था कि एक में पास्ट आ जाता है और एक में पास्ट कंटिन्यूस की बात की जाती है। मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आपको प्रीवियस अच्छी तरह आपने रिवाइज किया होगा तो ये पार्ट आपके लिए आसान होगा। द सेकंड वन इज एज द बॉय, रन की जगह पास्ट इनडेफिनेट, रैन अक्रॉस द रोड, बी की जगह पास्ट की बात की जा रही है तो क्या लगा देंगे, वॉज, और वॉज के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ही वॉज नॉक्ड, ही वॉज नॉक डाउन बाय अ कार, बाकी भी बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत सॉल्व की जाएंगी। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत बाकी एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दी गई हैं, यानी जोन सा टेंस जहाँ पे अप्लाई होता था उसको वहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। मैं एक दफ़ा अगेन कह रही हूँ कि आपने ध्यान से इसको अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन करना है, और जहाँ पे मैंने टिक लगा दिए गए वहाँ पे वही फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करें, क्योंकि ये सब कुछ आपके टेस्ट में असेसमेंट में इंक्लूड है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।